हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। केजीएफ 2 ने कमाई के मामले में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं जिसको तोड़ पाना सभी बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्मों की बस की बात नहीं है। केजीएफ ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, तो वहीं इंडिया की दुनिया भर में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। लेकिन साउथ की कुछ फिल्मों से ये उम्मीद की जा रही है कि वो केजीएफ 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, और इस लिस्ट में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा रूल शामिल है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फिल्में इस लिस्ट में शामिल है जो सच में केजीएफ 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो पुष्पा 2, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन किया था। फिल्म को लेकर जितना बज बना था उतना फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म भी किया और जबरदस्त कलेक्शन भी किया। मेकर्स ने पुष्पा के सक्सेस को देखते हुए पुष्पा 2 को एक अलग लेवल देने की बात की है। मतलब कि जो पुष्पा 2 होगा, जो पुष्पा द रूल होगा, वो अलग लेवल पे शूट होगा। फिल्म का बजट बढ़ाया गया है, यहाँ तक कि अल्लू अर्जुन ने फीस में भी बढ़ोतरी की है। उम्मीद है फिल्म की आने वाले टाइम में केजीएफ 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। नेक्स्ट फिल्म है सलार। साउथ के सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार भी इस लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 200 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है। इस फिल्म में प्रभास के साथ पहली बार श्रुति हसन भी नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि केजीएफ 2 जैसे ही मेकर्स इस फिल्म के भी दो पार्ट रिलीज करेंगे। अब देखना है कि ये फिल्म क्या केजीएफ 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। नेक्स्ट फिल्म है पोनानियन सेल्वन 1। ये बहुत बड़ी फिल्म है। फिल्म को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि ये मूवी केजीएफ 2 का रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है। जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म भी दो पार्ट में आने वाली है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन भी नजर आएंगी। ये फिल्म बहुत खास है और बहुत बड़े लेवल पे बनाई जा रही है। एक और फिल्म है प्रभास की आदि पुरुष। प्रभास की आदि पुरुष एक पौराणिक फिल्म है। बताया जा रहा है कि फिल्म रामायण पर बेस्ड है। इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट कर रहे हैं। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने तानाजी द अनसंग वॉरियर डायरेक्ट किया था और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। प्रभास की ये मूवी तेलुगु के साथ साथ हिंदी में रिलीज होगी और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना सकती है, खबरें हैं। नेक्स्ट फिल्म है RC-15। ट्रिपल आर की सफलता के बाद साउथ सुपरस्टार रामचरण जल्दी RC-15 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी नजर आएंगी। ट्रिपल आर की तरह इस फिल्म से भी बहुत उम्मीदें हैं। खबर है कि ये मूवी जमकर कमाई कर सकती है, हालांकि अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नेक्स्ट फिल्म है NTR-31। ये इस लिस्ट की लास्ट फिल्म है। जूनियर NTR की फिल्म NTR-30 का नाम इस लिस्ट में सबसे नया है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि रामचरण और जूनियर NTR की फिल्म ट्रिपल आर ने जमकर कमाई की थी। इस फिल्म से भी ऐसी ही कुछ उम्मीदें हैं। तो ये है साउथ की कुछ 6 अपकमिंग फिल्में। इन फिल्मों के बारे में इतना बस बना हुआ है कि उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिकॉर्ड बना सकती है और केजीएफ के साथ दो दो हाथ भी कर सकती है। वेल, आपको किस फिल्म से ज्यादा उम्मीदें हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।